यहाँ उपदंश सिफिलिस ये कैसा डिजीज है बताओ कि बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरियल डिजीज में भी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। बिल्कुल सही है, उपदंश या सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है और लेकिन ये बैक्टीरिया सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके संक्रमण से ये सिफिलिस रोग होता है। अब यहां पर इसका संक्रमण कैसे होता है? तो यह मुख्यतया संक्रमित व्यक्ति से, मतलब जिनको ये बैक्टीरिया, ऐसा लोग जो कि इस बैक्टीरिया से संक्रमित रहता हो, उस संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क बनाने के द्वारा फैलता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल वस्त्र तौलियों द्वारा भी ये रोग संचारित होता है। इसका प्रमुख माध्यम बाह्य जननांगों में घाव, रोम, पुटिकाएं, खरोच आदि होता है। मतलब इसका प्रमुख माध्यम समझ रहे हैं, संक्रमण इन्फेक्शन का प्रमुख माध्यम क्या होता है? बाह्य जननांगों में घाव, रोम, पुटिकाएं, जैसे होते हैं ना जब रोएं टूट जाते हैं तो वहां से एक पुटिकाएं जैसे दाने टाइप बन जाते हैं, खरोच आदि होता है। लक्षण क्या है इसमें? देखिए, उपदंश यानी कि जिसको क्या कहते हैं, सिफिलिस भी कहते हैं। ओके, तो उपदंश या सिफिलिस का सिम्पटम्स क्या होता है? संक्रमित स्थान पर एक बैगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। सबसे पहले ये देखो, है ना, एक बैगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। गर्सनी, मलाशय और होठों की श्लेष्मिका में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर घाव ठीक हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर कुछ सप्ताह में द्वितीय अवस्था में त्वचा पर रुधिर परिसंचरण और तंत्रिका तंत्रों के अंगों में चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बनने लगती। अब देखो भयंकर रूप। इसके अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्राव, स्राव मीन्स होता है सिक्रेशन बहना, पक्षाघात लकवा मारना, पागलपन आदि हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में यह भ्रूण या रोग भ्रूण के लिए घातक होता है। भ्रूण मतलब बच्चे के लिए घातक हो जाता है। क्लियर? तो अपने हिसाब से इसमें सिम्टम्स लिख लीजिएगा। रोकथाम क्या है इसका? तो रोकथाम में देखिए, रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखना चाहिए, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब रोग है कोई, है ना, रोगी है। रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए और रोगी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक देना इस रोग के लिए लाभकारी होता है। तो एंटीबायोटिक तो लगभग देखो यही सब घुमा फिरा कर समय दिया जाता है, लेकिन हाँ, कोई भी एंटीबायोटिक दो, सारा किसके सजेशन पर? डॉक्टर के सजेशन पर। तो कौन सा रोग था? उपदंश। उपदंश कौन से बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है? ट्रिपोनीमा पैलिडम, याद रहेगा ना, ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा होता है।